आप सब अभिषेक करेंगे, भगवान को दूध भी चढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको विशुद्ध देसी गौ माता का दूध मिले है तो ही आप उस दूध का उपयोग करना, और अगर आपको शुद्ध देसी गौ माता का दुग्ध नहीं मिलता है तो किसी अन्य पशु के दूध का अभिषेक आप कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान के किसी भी अभिषेक में, चाहे वो शिव हो, नारायण हो, जो भी हो, किसी भी रूप में देसी गोवंश के अलावा किसी का भी दूध चढ़ाना वर्जित है। उसकी जगह आप शुद्ध जल से अभिषेक करें, गोविंद गोविंद आपका अभिषेक स्वीकार करेंगे, और नहीं तो मैं आपको दो तीन दूध बनाने की विधि बता देता हूं। सबसे बढ़िया, आप नारियल ले लीजिए, कोकोनट, उसको ग्राइंड कीजिए, पानी वाला नारियल ले लीजिए, उसका जल भी निकाल लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसका जूस निकल जाता है तो दूध बन जाता है उससे। जब आप ग्राइंड कर देंगे तो पानी में मिलाएंगे, फिर उसको छान लेंगे तो उसका दूध बनता है, इसको नारियल का दूध बोलते हैं। ये बड़ा एनर्जेटिक होता है, पौष्टिक होता है, एक ये, और जो पीने का पानी वाला नारियल आता है, आप उस जल का भी उपयोग कर सकते हैं अभिषेक के लिए, अगर आपको जल और दूध की आवश्यकता है तो। चीनी जो सफेद आती है उसकी जगह बूरे का उपयोग कर सकते हैं, खांड का उपयोग कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का उपयोग कर सकते हैं मिठास के लिए। शहद लगता ही है, लेकिन विशेष रूप से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दूध अगर देसी गौ माता का न मिले तो आप नारियल का दूध बना सकते हैं और उससे आप अभिषेक कीजिए, बड़ा आनंद होगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि करते तो सब हैं, लेकिन जाने अनजाने में हो गई गलतियों का भी तो दोष हमें मिलता ही है ना। तो इस व्यासपीठ से, इस महापुराण के आरंभ से ही आपको ये समझ में आ जाए जो कि चीजें आपको जाननी चाहिए कि आप कैसे करें। हालांकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ इस शिव महापुराण में हाजिरी है, जिन्होंने 3,100 रुपए की दान दक्षिणा के साथ यहाँ हो रहे यज्ञ में अपनी आहुति दी है, तो उनको साधुवाद है, उनका उनके लिए तो सब यहाँ हो ही रहा है, लेकिन अगर वो घर पे भी करेंगे तो इसी विधि से करें, ये ध्यान रखिएगा।